ये लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण जी यहाँ 11 साल 6 महीना 27 दिन। भैया जी ये लक्ष्मण कुंड है, राम और सीता माता जी नीचे रहते थे भरत मिलाप मंदिर में। इधर से लक्ष्मण भगवान ने बैठ के सीता माता की रखवाली किया करते थे। जब भगवान का 14 साल का वनवास हुआ था तो भगवान राम माता जानकी इस चित्रकूट में निवास किए। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कैसे करें लक्ष्मण पहाड़ी का संपूर्ण दर्शन, जैसे कि लक्ष्मण पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, लक्ष्मण पहाड़ी के पास कैसे जाएं, लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन कौन से हैं, सीढ़ी के रास्ते से कैसे पहुँचे लक्ष्मण पहाड़ी, और अंत में हम बात करेंगे रोपवे से लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर जाने में कुल कितना खर्चा आएगा। अब हम बात करते हैं लक्ष्मण पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, वह लक्ष्मण पहाड़ी के पास कैसे जाएं। भारत के उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के सीमा पे बसा चित्रकूट के रामघाट से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे स्थित है लक्ष्मण पहाड़ी। अगर आप चित्रकूट के सभी दर्शनीय स्थलों पे घूमना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चित्रकूट आना पड़ेगा। अगर आप चित्रकूट ट्रेन से आ रहे हैं तो चित्रकूट का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम करवी है। इस स्टेशन पे आने के बाद आप बाहर आकर ई रिक्शा या ऑटो पकड़कर सीधे आप लक्ष्मण पहाड़ी आ सकते हैं। चित्रकूट स्टेशन से लक्ष्मण पहाड़ी की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। इस स्टेशन से लक्ष्मण पहाड़ी तक आने के लिए एक व्यक्ति का किराया 30 से 40 रुपया है। अगर आप अपने फैमिली के साथ चित्रकूट के सभी स्थान जैसे रामघाट, हनुमान धारा, कामतानाथ, लक्ष्मण पहाड़ी, सती अनुसुईया आश्रम, ऐसे कई रामायण काल से जुड़ी जगह को देखना चाहते हैं तो मुझे आप अभी कमेंट करें। अगर कमेंट ना कर सके तो आप हमें इस नंबर पे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम लक्ष्मण पहाड़ी के पास पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं सीढ़ी के रास्ते व रोपवे से कैसे पहुंचे लक्ष्मण पहाड़ी के पास, रोपवे से कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, अगर आप सीढ़ी के रास्ते से लक्ष्मण पहाड़ी पे जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 150 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा। अगर हम रोपवे की बात करें तो आने व जाने का एक व्यक्ति का किराया मात्र 75 रुपया है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो 5 वर्ष के ऊपर है तो 40 रुपया लगेगा। ये आपके ऊपर है आप कैसे जाएं, सीढ़ी के रास्ते या फिर रोपवे के रास्ते। दोस्तों, अब हम लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्राचीन श्री लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह। क्या है इस जगह का पौराणिक रहस्य, आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद एक महाराज जी से। लक्ष्मण जी यहाँ 11 साल 6 महीना 27 दिन रुके। यहाँ से माता राम जानकी की पहरेदारी किया। कछुक दूर सजिवान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। क्योंकि लंका में मेघनंद की पत्नी सती सुलोचना अनुष्ठान किए थे कि मेरे पति को वही वीर पुरुष मार सकता है जो 12 वर्ष तक खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, नारी का परित्याग करेगा। तो लक्ष्मण जी यहाँ रह करके अपनी तपस्या किया है और भगवान राम माता जानकी की पहरेदारी किया। ये लक्ष्मण जी की तपोभूमि है। दोस्तों, आपने सुना व जाना, अब हम आपको लेकर चलते हैं लक्ष्मण पहाड़ी के दूसरे जगह के पास जिसे लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। ये भैया जी ये लक्ष्मण कुंड है। यहाँ जब भरत जी की सेना आई थी, प्यास लगी थी तो लक्ष्मण भगवान ने तीर मारकर पानी निकाला था क्योंकि वो व्याकुल थे प्यास के कारण। और लक्ष्मण भगवान से उन्होंने बताया कि हमको प्यास लगी है तो लक्ष्मण भगवान ने तीर मारकर पानी निकाले थे भरत जी के लिए। भरत जी जब लक्ष्मण भगवान से मिलने के लिए यहाँ लक्ष्मण पहाड़ी आए थे। दोस्तों, लक्ष्मण कुंड देखने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं इसी कुंड के बगल में स्थित प्राचीन लक्ष्मण चौकी।
इस स्थान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मण जी यहाँ पे खड़े होकर भगवान राम माता सीता के लिए पहरा दिया करते थे। क्या है यहाँ का संपूर्ण कथा, आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद एक महाराज जी से। इधर से लक्ष्मण भगवान ने इधर से बैठ के सीता माता की रखवाली की थी। इन खम्भों को गले मिलने से हर कष्ट बाधा दूर होते हैं। राम और सीता माता जी नीचे रहते थे भरत मिलाप मंदिर में। इधर से लक्ष्मण भगवान ने बैठ के सीता माता की रखवाली किया करते थे और राम भगवान पीछे जो राम सैया पर्वत है तो वहाँ राम भगवान आराम किया करते थे। यहाँ की विशेषता यह है, इसीलिए ये पहाड़ जो है स्थान लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्राचीन लक्ष्मण चौकी देखने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं श्री भरत भेट लक्ष्मण मिलाप सभा दरबार के पास। क्या है यहाँ का भी कथा, हम वहाँ पे चलकर एक महाराज जी से जानते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। आखिर लक्ष्मण पहाड़ी पे ऐसा क्या क्या जगह है जहाँ पे लोग दूर दूर से आकर यहाँ की कथा जानना चाहते हैं। यहाँ पे परंपरा है कि जिस भरत भेंट सभा दरबार बताते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोरी ताकर नाम भरतेश होई। यहाँ के मिलने से घर में प्रेम भाव बना रहता है, यही है। बोलिए भरत जी महाराज की। दोस्तों, श्री भरत भेट लक्ष्मण मिलाप सभा दरबार देखने के बाद अब हम चलते हैं लक्ष्मण पहाड़ी के लास्ट जगह के पास, जिसे श्री शेषावतार लक्ष्मण मंदिर बोला जाता है। इस मंदिर के अंदर भगवान राम के वनवास काल से जुड़े कई मूर्ति देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के अंदर सबसे खास मनसा देवी का मंदिर है। यहाँ पे लोग नारियल चुनरी चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या है मनसा देवी का रहस्य, आइए जानते हैं लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर। बोल लखन लाल की। चित्रकूट के पास पड़ता है भरत मिलाप मंदिर। तो भगवान राम माता जानकी नीचे रहते थे और इस पहाड़ी पर लक्ष्मण जी तपस्या करते थे, क्योंकि ये लक्ष्मण पहाड़ी है। लक्ष्मण जी यहाँ तपस्या किया क्योंकि लंका में जो सती सुलोचना थी, मेघनाथ की पत्नी रावण की बहू, उसको वरदान मिला था कि मेरे पति को वही मार सकता है जो कोई 12 साल तक ना सोएगा, ना भोजन करेगा, ना नारी के पास जाएगा। तो लक्ष्मण जी महाराज इस माता जी की मूर्त बनाकर यहाँ पूजा किया और तपस्या किया। ये माता नांग माता माँ मनसा देवी है, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। ये शिव भगवान की मानस पुत्री है। यहाँ नाना प्रकार की लोग बाग अपनी मानता मनौती आस्था के द्वारा मान के जाते हैं तो साल के अंदर माँ भगवती पूरा करती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह लक्ष्मण पहाड़ी का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं चित्रकूट के किसी दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हो चित्रकूट नगरी की।